प्रदेश कल से शुरू होगा, इसका क्या महत्व रहेगा और कौन कौन विषय पे इस पे चर्चा होगी? देखिए, आज विश्व के अंदर जो हमारे 2.5 अरब बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। न्यूक्लियर बमों का निर्माण बढ़ रहा है, चारों तरफ विश्व में तृतीय विश्वयुद्ध की तैयारियाँ चल रही हैं। आप देखें तो टेंशन बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच भी टेंशन बढ़ रहा है, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रहा है, इसराइल और पैलेस्टाइन में टेंशन है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में है, इराक ईरान में है, ये सारे दुनिया में चारों तरफ एक आग लगी हुई है। इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को एक किया जाए। एक करने के 3 एफर्ट पहले हुए हैं, जैसे प्रथम महायुद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशंस बना, तो इसकी वजह से लड़ाई हो गई। द्वितीय महायुद्ध हुआ 7 वर्ष चला 1939 से लेके 45 तक 6 वर्ष, तो उसमें एक वुडरो विल्सन नाम के, फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट के नाम के एक राष्ट्रपति अमेरिका में पैदा हुए और उन्होंने मीटिंग बुलाई वर्ल्ड के लीडर्स की, 51 देशों ने चार्टर साइन किया, यूनाइटेड नेशन बना। तो सेकेंड बार रुकी सर, किन किन देशों से लोग आपके कॉन्फ्रेंस में? 60 देशों से लोग आ रहे हैं और मैं इनके थोड़े से नाम आपको बताऊं तो आपको खुशी होगी। मैं दो चार नाम बता दीजिए सर। मैं दो चार बता दूँ, अफगानिस्तान, देखिए इसमें जिम्बाब्वे, USA, यूक्रेन, युगांडा, टुबालु, ट्यूनिशिया, टोगो, थाईलैंड, चैड, ताइवान, सर इन लोग जो आ रहे हैं सब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, ये किस विषय पे चर्चा होगी? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर है और आर्टिकल 51 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका पाठ ये है कि सारे विश्व में एकता हो, सारा विश्व की एक सरकार बने, एक पार्लियामेंट बने, एक वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बने, ताकि बच्चों के भविष्य के लिए एक दुनिया को सुरक्षित किया जा सके। और दुनिया की एक होने के अलावा ईदर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, जैसा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, यही एक उपाय, बहुत बहुत धन्यवाद।